नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एम में। देखिए, आज मैं अपनी स्टूडियो पर लेके आया हूँ कनिष्ठ सहायक स्पेशल सीरीज तीसरी और आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज तीसरी लेके आया हूँ। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये जो मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? अर्थात कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कि जिससे 7 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं, तो वो एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है आपका पौड़ी। तो कैसे, जो आप अगर अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैप के जरिए दिखा रहा हूँ मैं आपको, जो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है जस्ट उसके बगल में देखिए हरिद्वार, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट टच करता है, उससे ऊपर देहरादून टच करता है, जस्ट बगल में टेहरी गढ़वाल, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद यहाँ पे चमोली, फिर अल्मोड़ा और नैनीताल, 7 जिले स्पर्श करते हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट को। अगला नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड के कितने जनपद में रेल पथ हैं? तो उत्तराखंड के मात्र 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रेल पथ हैं। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? एक हो गया नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और चंपावत। ये हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर रेल पथ हैं। थर्ड आता है हमारा, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है आपका रुड़की में किया गया 1847 में, और वर्तमान में इसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। कहाँ पे है? ये भी है रुड़की में, इसी का नाम है ये इंजीनियरिंग कॉलेज का। ये मात्र एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था, 1847 में इसकी स्थापना हुई। अगला है हमारा, ढिकाला किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है? तो हमारा जो कार्बेट नेशनल पार्क है उसका जो प्रवेश द्वार का नाम है, तो क्या उसका प्रवेश द्वार का नाम क्या है? ढिकाला है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जोशीमठ ओली रोप वे कब शुरू किया गया? तो जोशीमठ ओली ओली में जो रोप वे है वो कब स्टार्ट किया गया? तो वो स्टार्ट किया गया अक्टूबर 1993 में, ये ओली रोप वे स्टार्ट की गई। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, ठीक है ना, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन है? गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अगर वहीं बात करते हैं कि अगर आ जाएगा कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो होगा मिलन ग्लेशियर। तो इन दोनों पे कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। अगर बाय द वे अगर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो भी गंगोत्री ही होगा। लेकिन अब इस और गढ़वाल का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का सबसे बड़ा, तो वो गंगोत्री ही है। लेकिन अगर वो पूछ देता है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो वो मिलन ग्लेशियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं। उत्तरकाशी का पुराना नाम, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तरकाशी का जो पुराना नाम है वो है आपका बालाघाट। नेक्स्ट है आपका, पाताल भुवनेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये चीज़ को ध्यान रखें, जो पाताल भुवनेश्वर मंदिर है वो आपका है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? जो गढ़वाल जो पेंटिंग पुस्तक लिखी है उनके लेखक का नाम है मुकुंदी लाल ने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक लिखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो जो ऋग्वेदिक आर्य थे वो प्राय प्रकृति की पूजा करते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेदिक की मूल लिपि क्या थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन पेपर में। जो ऋग्वेदिक मूल लिपि, ऋग्वेदिक काल की जो मूल लिपि थी वो थी आपकी ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। जो ऋग्वेदिक काल की लिपि थी वो आपकी थी ब्राह्मी, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, बिच्छू घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हो सके तो मैं अगली इस वीडियो में जितने भी चीज़ें जो भी एसिड पाए जाते हैं उस पर ही अपने नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। तो जो ये है हमारे बिच्छू घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसे ध्यान दीजिएगा, जो ये बिच्छू घास में है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। बिच्छू घास में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जो पानी का जो ज़्यादा से ज़्यादा जो डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है 4 डिग्री सेल्सियस की जाती है। तो जो पानी का अधिकतम जो घनत्व होता है वो होता है आपका
4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में FL5S नीति का संबंध किससे है? तो ये जो नीति आई थी ये आई थी आपकी आबकारी नीति, तो ये आबकारी नीति से इसका संबंध है, ठीक है। ऑपरेशन इंसानियत का संबंध किससे है? तो जो अभी हाल ही में एक करंट का ही है लगभग, कुछ महीनों पहले की बात है, जो ऑपरेशन इंसानियत का संबंध है ये आपके रोहिंग्या शरणार्थियों से, तो इस चीज़ को याद रखेंगे, जो ऑपरेशन इंसानियत है वो आपकी रोहिंग्या शरणार्थियों से। नेक्स्ट है, कितने तापमान पर फॉरेनहाइट वो सेल्सियस, तापमान का मान एक होगा, जो ना फॉरेनहाइट है और सेल्सियस, ये दो पैमाने होते हैं, आपको पता ही होगा तापमान मापने के दो पैमाने हैं फॉरेनहाइट और सेल्सियस, तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे ये दो के दो ताप इक्वल होंगे, तो ये होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर फॉरेनहाइट और सेल्सियस, जो तापमान का जो पैमाना होता है वो इक्वल। ग्लूकोमा किस अंग का रोग है? जो ग्लूकोमा एक रोग हो जाता है वो प्रायः आँख में हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है ये क्वेश्चन, जो ग्लूकोमा होता है वो होता है आपका आँख का रोग होता है, ठीक है ना, इस चीज़ को याद रखें। नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं, प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दून स्कूल है तो देहरादून पे जो प्रसिद्ध दून स्कूल की जो स्थापना की गई है वो किसने की थी? C.R. दास, ठीक है ना, C.R. दास द्वारा दून स्कूल की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, नानक सागर कहाँ स्थित है? जो नानक सागर है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो आपका नानक सागर है वो उधम सिंह नगर में स्थित है, ठीक है ना, तो ये बहुत बार आया भी है ये वाला क्वेश्चन, नानक सागर लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन पेपर में मिला मुझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था इसलिए मैंने लिख लिया आपको, नानक सागर बाद कहाँ पर स्थित है, ये है आपका उधम सिंह नगर में स्थित है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ये तो थे मेरे 20 क्वेश्चन उत्तराखंड GS साइंस और हिस्ट्री के मिक्सअप करके थे। अगले जो 5 क्वेश्चन है ये आपके हैं कंप्यूटर से, क्योंकि जनरल सी बात है कनिष्ठ साइक का पेपर है, तो कंप्यूटर से जनरल नॉलेज तो पूछेगा कंप्यूटर। तो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर कंप्यूटर के, यह हमारा ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो जो अगर हम ईमेल एड्रेस याद नहीं कर पाते हैं, तो ईमेल, वैसे पता होगा कि ईमेल एड्रेस काफ़ी लेंदी और बड़ा टिपिकल टाइप का होता है, तो उसके लिए क्या होती है एड्रेस बुक होती है, अब देख अगर नेट चलाते हैं तो उसमें मिल जाता है एड्रेस, ठीक है। अगला है हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? तो भारत में जब इंटरनेट की शुरुआत हुई है वो हुई है आपकी 15 अगस्त 1995 में, भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत की गई थी 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है आपका, फोटोशॉप क्या है? फोटोशॉप है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, फोटोशॉप पूछ लेता है, अलग अलग ऑप्शंस दे देगा क्या है, प्रोग्राम है, वायरस है, क्या है, लेकिन फोटोशॉप जनरल हम फोटो खींचने जाते हैं तो वहाँ पर फोटोशॉप एप्लीकेशन का उपयोग होता है, तो ये क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट है आपका, कंपाइलर क्या करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे बहुत अच्छे से देख लीजिए, कंपाइलर क्या करता है? उच्च स्तरीय भाषा का मशीनरी भाषा में अनुवाद करता है, ठीक है ना, जो कंपाइलर का प्रयोग किया जाता है उच्च स्तरीय भाषा का मशीनरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। डक डक गो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, डक डक गो क्या है? तो डक डक गो जो है आपका सर्च इंजन है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये थी मेरी 25 क्वेश्चन की ये कनिष्ठ सहायक स्पेशल पे बनाई गई मेरी तीसरी सीरीज, जिसमें आने वाली प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए थे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरी यह वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा।